Hey guys, I am Rishi Sanger, director of YouTuberX. This is the review video of iPhone 8. Yes guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 8 आपके लिए 2020 में कैसा रहेगा। जिस तरह से अभी हम सारे स्मार्टफोन को रिव्यू कर रहे हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे iPhone 8 आपके लिए किस हद तक लेना चाहिए और अगर आपके पास iPhone 6s या 7 है तो आपके लिए 8 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिटेल में बात करते हैं, वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं 2020 में आपके लिए iPhone 8 की परफॉर्मेंस किस तरह की देखने को मिलती है। गाइस, यहां पर iPhone 8 की पहले स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो iPhone 8 आपके लिए 2GB रैम के साथ आता है, जिसमें एप्पल का A11 का चिपसेट मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और अगर कंपेयर करते हैं iPhone X से, तो आपके लिए iPhone X में भी वही चिपसेट देखने को मिलता है। यहां पर बैटरी की बात करते हैं, तो आपके लिए iPhone 7 से कम देखने को मिलती है, 1860 mAh के अप्रॉक्स बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपके लिए आराम से अगर लगातार यूज करते हैं तो 6 to 7 hours का अप्रॉक्स बैटरी बैकअप दे देगी। और अगर नॉर्मल यूज की बात करते हैं, तो आराम से 10 to 12 hours का बैटरी बैकअप आपके लिए iPhone 8 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरा की बात करते हैं, तो 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आता है, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे पिक्चर्स को शूट कर सकते हैं। अगर iPhone 7 से कंपेयर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है और बहुत सारे फीचर्स के साथ यहां पर आपके लिए स्मार्टफोन आता है। ग्लॉसी फिनिश के हिसाब से आपके लिए यहां पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि आप iPhone 7 और 6s में मिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए यहां पर 3.5mm वाला ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपके लिए यहां पर 15W के अप्रॉक्स का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आप चाहें तो अलग से एडाप्टर खरीद कर यहां पर इसको यूज में ले सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं, तो यहां पर आपके लिए अप्रॉक्स 2021 तक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल सकते हैं iPhone 8 में। गाइस, अगर आप इसको बाय करते हैं 2020 में, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए 36,000 के अप्रॉक्स फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन बाय करें, बिकॉज अगर सेल पे बात करते हैं, तो अगर आप आईफोन XR के लिए जाते हैं, तो वो आराम से 40,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है, जो इससे बहुत बहुत बेटर डिवाइस है। तो 36,000 में अगर आईफोन 8 लेने जाते हैं, तो उससे अच्छा थोड़ा सा बजट आप बढ़ाएं और आईफोन XR के लिए जा सकते हैं। बट अगर सेकेंड हैंड की बात करते हैं, तो आईफोन 8 अगर आपके लिए सेकेंड हैंड मिलता है और आपके पास अभी तक आईफोन 6s या 6 है, तो आप आराम से जा सकते हो, जो कि 30,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपके पास आईफोन 7 है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप iPhone 7 से iPhone 8 में अपग्रेड करें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा और बजट एक्सटेंड करें iPhone 8 से, तो फिर आप iPhone XR के लिए ही जाएं, क्योंकि iPhone 7 और 8 को अगर कंपेयर करते हैं, तो ज्यादा यहां पर चेंजेस नहीं है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में चेंज आता है, बट इतना डिफरेंस नहीं है कि इसको अपग्रेड करें। तो इस वजह से गाइस, यहां पर iPhone 7 है, तो आप आराम से उसको यूज करें, एक साल और आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कोई लेटेस्ट iPhone के लिए जा सकते हैं, और नहीं तो आप iPhone XR के लिए भी जा सकते हैं। iPhone 8 आप तभी ले सकते हैं अगर आपके पास 6 या 6s है, तो आप अपग्रेड करने के लिए iPhone 8 पर जा सकते हैं, बेटर डिवाइस है। बट प्राइस अगर बात करते हैं, तो 36,000 बहुत ज्यादा हो जाता है। उस प्राइस रेंज में आपके लिए iPhone XR भी देखने को मिल जाता है, और मार्च के प्रोडक्शन के बाद iPhone XR की कीमत इतनी ही देखने को मिल सकती है, तो वो एक बेटर डिवाइस हो सकता है। तो इस वजह से iPhone 8 से बेटर वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और iPhone 7 से कम इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। बैटरी बैकअप भी आपके लिए iPhone 8 का बेटर देखने को नहीं मिलता है। डिवाइस बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर देगा, कैमरा क्वालिटी बेटर देगा, डिजाइन भी प्रीमियम है, बट अगर बात करते हैं प्राइस के हिसाब से, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हाँ, ये स्मार्टफोन अगर 30,000 के अप्रोक्स कहीं मिलता है, तो ये बेटर डील हो सकती है, तो आप इसके लिए 30,000 तक जा सकते हैं। 2020 में आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस देगा, 2021 में भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, तो आपके लिए वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। iPhone 7 से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, iPhone 8 एक पावरफुल डिवाइस है, बट न्यू लेने की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास iPhone 8 है, तो आप आराम से उसको 2 साल और यूज कर सकते हैं, और 6 और 6s है, तो आप iPhone 8 को सेकंड हैंड मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, और न्यू लेने जाते हो, तो आप iPhone XR को भी ट्राई कर सकते हैं। ये छोटा सा रिव्यू था। iPhone 8 आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं देगा 2020 में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये छोटा सा रिव्यू वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए एप्पल से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें, और हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, बिकॉज वहां पर भी एप्पल से रिलेटेड लीक्स और इन्फॉर्मेशन वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं, तो वो आप देख सकें। इसके साथ साथ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।